सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के आम के बाग में से रोज आम चुरा के खा रहा है, और जब दूसरे इंसान ने उसको मना किया तो उस कंडीशन में उसने छोटे छोटे बच्चों को उसके बाग में भेजा और फिर उनसे बोला कि मेरे लिए आम की चोरी करके लाओ, तो इन दोनों में से खुद आम चुरा के खाना या छोटे छोटे बच्चों को भेज के आम की चोरी करवाना, कौन सा एक्ट ज्यादा सही है या कौन सा एक्ट आपको लीगल लग रहा है? सो आज हम इसी तरह के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक कलरेबल लेजिस्लेशन में. सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद लॉ. आज का हमारा टॉपिक है कलरेबल लेजिस्लेशन. अब ये एक डॉक्ट्राइन है जो सिंपल लैंग्वेज में ये बोलती है जो एक्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली करने के लिए भी एम्पावर्ड नहीं है. मतलब आप खुद चोरी करके खाएं या किसी और पर्सन से चोरी कराएं, चोरी तो चोरी है, आप लाइबल होंगे और ये इलीगल एक्ट है. सो अभी कलरेबल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कोई कानून बनाया जा रहा है, कलरेबल मतलब उस कानून को बनाने के लिए आप एम्पावर्ड नहीं है फिर भी आप उस कानून को बना रहे हैं. तो ये डॉक्ट्रिन बोलती है इस तरह का कोई भी एक्ट वैलिड नहीं होगा. कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से ली गई है. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बहुत अच्छे से पता है फेडरल कैरेक्टर है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है और इन तीन लिस्ट में सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कंक्रेंट लिस्ट, और ये तीनों लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में है. अब इन लिस्ट का मतलब क्या है, अब इन लिस्ट के साथ करना क्या है, वो हमें बताता है आर्टिकल 246, जो हमें ये बताता है जो फर्स्ट लिस्ट है जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है. जस्ट लाइक आप सबको पता है आर्मी, नेवी, डिफेंस, एयरफोर्स ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और वही इनके मतलब लॉ फ्रेम करती है. सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट. अब ये जो लिस्ट सेकेंड है स्टेट लिस्ट है, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं ये आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, मतलब सोल राइट होता है स्टेट गवर्नमेंट को इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का. थर्ड लिस्ट है हमारी कंक्रेंट लिस्ट. अब इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम होता है, मतलब ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है, लॉ फ्रेम कर सकता है और स्टेट भी लॉ फ्रेम कर सकता है. और इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया. इस तरह से तीन लिस्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. एक बार सेंटर और स्टेट जब लॉ बनाते हैं तो आपस में एक दूसरे की लिस्ट के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करते हैं, वो डायरेक्टली इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, तो उस कंडीशन में वो कुछ इस तरह की तरकीब यूज़ करते हैं कि हम इंटरफेयर भी करें और दूसरे के स्कोप को वायलेट भी करें और किसी को पता भी ना लगे और हमारा काम भी आराम से हो जाए. और इसी तरह के डिसीव करने वाले मतलब धोखा देने वाले या फिर कह सकते हैं आंखों में धूल झोंकने वाले कानून को हम बोलते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन. और जब इस तरह के कानून बनते हैं तो दोनों में लड़ाई होती है सेंटर और स्टेट में, और ये टसल को सॉल्व करने के लिए आते हैं हमारे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड होने के मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन मतलब जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है और इस तरह की लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर करता है. सो कलरेबल लेजिस्लेशन. अब कलरेबल ये एग्जैक्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है, बट अगर हम आर्टिकल 246 और 246A की कंबाइन स्टडी करें और फिर अपने जुडिशियल डिसीजंस को देखें तो वहाँ से कलरेबल लेजिस्लेशन का टर्म निकल के आया है और हमने इसको अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से. सो ये डॉक्ट्रिन सिंपल से मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जो बोलता है क्वेंडो एलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिक्यम, मतलब जो चीज़ आप डायरेक्टली प्रोहिबिट हो जिस चीज़ को करने के लिए उसको आप इनडायरेक्टली करो तो भी आप प्रोहिबिट ही रहेंगे, आप किसी दूसरे तरीके से उस चीज़ को करो तो वैलिड नहीं होने वाली. अब कलरेबल लेजिस्लेशन के फीचर्स में कैसे पता लगेगा हमें कि कोई चीज़ कलरेबल है या नहीं है, तो उसके फीचर्स हैं सबसे पहले लॉ का जो इंटेंशन होता है, एक्चुअल इंटेंशन होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है जो ये तीन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने. इस लिस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है उसको पूरी तरह से वायलेट कर. सेकेंड वन, पर वायलेट करने का तरीका इस तरह से होगा कि लॉ आपको लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट लॉ बनाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये एक्चुअल में लॉ होगी अल्ट्रावर्स मतलब दूसरे के स्कोप में डिस्टरबेंस करने के लिए ही ये लॉ बनाई जाएगी. थर्ड वन इज इसका जो मेन मोटिव होगा ये होगा सिर्फ और सिर्फ डिसीव करना मतलब धोखा देना कॉन्स्टिट्यूशन को.
सो इस कंडीशन में गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता हुआ है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट आता है लॉ को वैलिड डिक्लेयर करके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. और इस तरह से जो भी लॉ बनता है उसको जुडिशरी वॉइड डिक्लेयर करती है. आपको पता है पूरी कलरेबल लेजिस्लेशन की डॉक्ट्रिन केसेस से ही ड्राइव हुई है. तो हम इसको अगर कंसेप्ट पे समझना चाहेंगे तो हमें केसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो मैंने कुछ केस मेंशन किए हैं, चलिए देखते हैं. सो सबसे पहला और लैंडमार्क जजमेंट स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, इस केस में ये हुआ था. जो जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आए थे जिसमें जो ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनें स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी और इसके बदले में उनको वैलिड कंपनसेशन दिया था. इस सारे के एक्ट्स में तीन एक्ट आए थे, मध्य प्रदेश का, यूपी का और बिहार का. ये जो ज़मींदारी एवोल्यूशन के एक्ट थे इनको चैलेंज किया गया था और इसमें जो बिहार वाला एक्ट था उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया था. क्योंकि इस एक्ट में ये था कि ज़मींदार की ज़मीन तो ली जाएगी पर उसको एक वैलिड कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा. मतलब अगर आप देखेंगे उस कंपनसेशन की स्कीम को तो आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ बिल्कुल वैलिड कंपनसेशन दिया जा रहा है. पर उसके फॉर्मूले को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग वैलिड कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ दिखावे का कंपनसेशन है. रियल में जब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाएगा तो वैलिड कंपनसेशन से बहुत कम कंपनसेशन ज़मींदारों को मिलेगा. इसके बाद कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के प्रिंसिपल का वायलेशन है और अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग सरकार ने सिर्फ दिखावे की स्कीम बनाई है, गाइडलाइन फ्रेम की है, एक्चुअल में वैलिड कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है. और तीनों एक्ट्स में से बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को कलरेबल लेजिस्लेशन बोलने के बाद वॉइड डिक्लेयर किया गया. सेकेंड केस, केसी गजापति नारायण देव वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था अगर लेजिस्लेचर मतलब जिसने लॉ फ्रेम की है उसको पावर थी उस लॉ को फ्रेम करने की तो अब उसने लॉ को डायरेक्टली फ्रेम किया है या इनडायरेक्टली फ्रेम किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट था लॉ फ्रेम करने की या नहीं था. थर्ड केसेस, जालान ट्रेडिंग वर्सेज मिल मजदूर सभा. इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कोई लेजिस्लेशन कलरेबल है या नहीं है इसको देखने के लिए सबसे पहले कोर्ट को फोकस करना होगा उसका ट्रू नेचर और ऑब्जेक्ट क्या है. सिर्फ किसी लेजिस्लेशन के मोटिव के बेस पे उसको डिसाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज जनपद सभा छिंदवाड़ा वर्सेज सेंट्रल प्रोविंस सिंडिकेट 1971 का केस है. इस केस में ये हेल्ड किया था अंडर आर्टिकल 141. आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं. अब अगर पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह की लॉ बनाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन इनवैलिड हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर लॉ बनाने का किसी भी लेजिस्लेशन को राइट नहीं है तो इसको कलरेबल लेजिस्लेशन की कैटेगरी में रख के इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया गया था. नेक्स्ट वन इज रामकृष्ण डालमिया वर्सेज जे एस आर तेंदुलकर. इस केस में यह हेल्ड किया था कोर्ट जब भी कोई लॉ फ्रेम होगा तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि वो लॉ कलरेबल लेजिस्लेशन के अंडर नहीं आता, वो एक बिल्कुल वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. पर अगर उसको कोई पर्सन अटैक करेगा उस लॉ को तो उस कंडीशन में जो पर्सन उस लॉ को चैलेंज कर रहा है उस लॉ को अटैक कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. उसको ये प्रूव करना होगा कि जो लॉ है वो कलरेबल है और डिसिसिव है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है. नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स. सो इस केस के फैक्ट्स इंक्लूड करने की वजह से केस थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट आपको इससे और क्लियर व्यू मिल जाएगा. तो इस केस में जो इशू था वो ये था जो नोटिफिकेशन इशू हुई है वो कलरेबल लेजिस्लेशन के अंडर फॉल करती है या नहीं. सेकेंड क्वेश्चन ये था सेक्शन 9C ऑफ मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं. 1 अगस्त 1991 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कोयले के ऊपर रॉयल्टी देनी पड़ रही थी वो अब तक तो 6.50 रुपीज़ पर टन थी पर इस नोटिफिकेशन के बाद उसको बढ़ा के 120 रुपीज़ पर टन कर दिया गया. अब इतनी ज़्यादा रॉयल्टी रेट्स बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चैलेंज किया. तो मिनरल्स एंड माइंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 9C के अकॉर्डिंग हर 3 साल में रॉयल्टी रेट्स का रिवीजन करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इस नोटिफिकेशन में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और
अब उसके बाद जो पेटिशनर थे उन्होंने बैक स्टोरी कोर्ट को बताई। 1982 में कोल प्रोडक्शन स्टेट्स ने टैक्स इम्पोज किया था कोयले की खरीद के ऊपर, और ये टैक्स रिसीव करने के पीछे उनका पर्पज़ था माइनिंग एरिया जो उनके स्टेट्स में है उनका डेवलपमेंट करना। अब पब्लिक ने ये टैक्स पे किया। अब इस टैक्स को चैलेंज किया गया इस बेस पे कि सेक्शन 93 के अकॉर्डिंग कोयले के ऊपर टैक्स लगाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लिया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसके स्कोप में कोयले के ऊपर टैक्स लगाना आता ही नहीं है। तो अब जब इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया, और ये बोला स्टेट ने जो भी टैक्स लिया है वो उसको रिफंड करना पड़ेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट हेल्प के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनरल्स वैलिडेटिंग ऑर्डिनेंस 1992 पास किया, और उसमें ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक जजमेंट की डेट तक जितना भी टैक्स लिया उसको रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस एक्ट को पास करके उस सारे टैक्स को जो अब तक ले चुकी है गवर्नमेंट वैलिड बनाते हैं, और आगे से वो टैक्स नहीं लेगी। और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हमने 6 से 120 रुपये तक हाइक की एकदम से रॉयल्टी रेट्स में, वो टैक्स इम्पोज करने की हमें पावर है, और उसमें जो हमने बढ़ा हुआ टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान ना हो उनको हम पे करेंगे। तो कोयले वाली कंपनी ने बोला कि हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी रेट्स बढ़ाए हैं वो हम बिल में एक्सप्रेसली मेंशन करेंगे, और वो सारे कस्टमर की जेब के ऊपर पड़ेंगे, मतलब सारा जो बढ़ा हुआ टैक्स है वो सारा कस्टमर्स को देना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज करते हुए हेड किया सेक्शन नंबर 93 अल्ट्रा वायर्स नहीं है, वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो टैक्स इम्पोज कर सकती है। पर जो नोटिफिकेशन इशू की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सेक्शन का यूज़ करके, वो नोटिफिकेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को इशू करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्पस था ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको हेल्प करना, ना कि कोई ऐसी पब्लिक नीड थी कि एकदम से टैक्स में इतना हाइक किया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला है कि स्टेट को रिफंड नहीं देना पड़ेगा वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया 93 सेक्शन का यूज़ करके जो नोटिफिकेशन इशू हुई है वो वैलिड नोटिफिकेशन है, क्योंकि सेक्शन 93 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट था वो नोटिफिकेशन को इशू करने का, और ये ना आर्बिट्ररी है ना कलरेबल है लेजिस्लेशन, क्योंकि उसके पास राइट था और उसने नोटिफिकेशन इशू किया। और जब भी हमें देखना हो कि कोई लेजिस्लेशन कलरेबल है या नहीं है तो हमें देखना चाहिए कि उस लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, और जिसने उस लेजिस्लेशन को मतलब लॉ को पास किया उसके पास उसको पास करने का राइट था या नहीं था। अब उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का मोटिव था स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना, ये कोई ग्राउंड नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को वैलिड डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर किया अगर जिसने लॉ को फ्रेम किया है वो कॉम्पिटेंट था लॉ को फ्रेम करेंगे तो वो लॉ कलरेबल लेजिस्लेशन की डेफिनेशन के अंडर नहीं आती और वो लॉ वैलिड है। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस लेक्चर। विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो।